Hello student, today I am going to discuss the sample paper of CBSE examination that is of subject business studies. This paper is given by CBSE for 2018 and 19 examination class 12 business studies. So it is very important to understand this question paper so that you can easily understand the nature of question paper which is going to be held in the month of March 2019. So let us start the sample paper discussion. It is class 12th business studies paper. Dear student, CBSE has guessed or framed this type of question paper for coming examination. I hope most of you have already seen this question paper, but if you have not seen earlier, then watch this complete video so that you can understand the nature and way of question which are CBSE is going to frame for your final examination. The first question is: successful organizations do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process. Identify the process highlighted here. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सक्सेसफुल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने गोल बाय चांस नहीं अचीव करते हैं, बल्कि ये उनका एक लगातार प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये गोल अचीव करते हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है उस प्रोसेस को कि किस प्रोसेस के तहत ऐसा करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, जैसा आपने पूरे सिलेबस के अंदर पढ़ा हुआ है, हमारा पहला टॉपिक होता है मैनेजमेंट, उसके फंक्शंस पढ़े हैं. तो यहाँ पर पूरे प्रोसेस की बात की जा रही है जिसके अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट एस्पेक्ट आता है. तो आंसर करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, हम पहले मेन कॉन्सेप्ट पे जाएंगे फिर उसके पार्ट पे जाएंगे, तो उस तरीके से आंसर देना है. तो अभी हम आगे इसका आंसर डिस्कस करते हैं. फिर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन. इसका इस टॉपिक से एक और डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करते समय जो बेस दिया गया है ना, उसी बेस पर आपको आंसर करना है, बिकॉज दीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो नाउ डिस्कस द आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन में सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस. इसके अकॉर्डिंगली इस प्रोसेस का नाम यहाँ पर मैनेजमेंट, जैसा हमने आपको बताया कि मैनेजमेंट, हमें पहले क्या करना है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है कि द होल कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेजमेंट है. फिर उसके बाद उसके फंक्शंस आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ प्लान की बात नहीं की जा रही है, यहाँ ऑर्गेनाइजिंग की बात नहीं की जा रही है, स्टाफिंग की बात नहीं, डायरेक्टिंग की और कंट्रोलिंग इन फंक्शंस की बात नहीं की जा रही, ये टोटल कंप्लीट प्रोसेस को पूछा जा रहा है. तो हमारा आंसर मैनेजमेंट होगा. नेक्स्ट आपको पूछा गया था डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिस्टिंग्विश करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन. अब डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखेंगे फ्रीडम ऑफ एक्शन के बेस पर पूछा गया, तो आपको इसी बेस पर आंसर करना है. तो जैसा आपको बताया गया था, डेलीगेशन बिटवीन टू पर्सन होता है जिसमें सीनियर अपने जूनियर को सम अथॉरिटी को फॉर द टाइम बीइंग ट्रांसफ़र करता है और जो इंस्ट्रक्शन देता है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है. तो इसका मतलब होता है कि डेलीगेशन प्रोसेस में जो फ्रीडम होती है सबॉर्डिनेट को नहीं होती है, मीन्स उसको बहुत कम फ्रीडम दी जाती है. और डिसेंट्रलाइजेशन में जो ये डेलीबरेट प्रोसेस है और इसमें पूरा का पूरा जो अथॉरिटी होता है वो लोअर लेवल तक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, परमानेंट नेचर का होता है. तो यहाँ पर फ्रीडम जो है वो ज़्यादा होती है. तो इस तरीके से आंसर करेंगे. नेक्स्ट आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. इसका ओरिजिन शुरुआत कैसी होती है, तो यहाँ ध्यान देंगे अथॉरिटी एराइजेज फ्रॉम फॉर्मल पोजिशन. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल पोजिशंस दी जाती हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, इनके बीच ये जो फॉर्मेशन है दैट इज़ द फॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो
तो यहाँ जो ओरिजिन होता है अथॉरिटी का, वो फॉर्मल पोजीशन के थ्रू होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। तो इस तरीके से स्पेसिफिक आंसर करना है। डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो स्पेसिफिक आंसर भी होगा। अगर आप कोई दूसरा डिफरेंस लिखेंगे तो उस पर मार्क्स आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू एकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो स्टिमुलेट या इंस्पायर करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मोटिवेशन, तो हमारा आंसर मोटिवेशन होगा। नेक्स्ट है, नेम द जॉब ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग दैट इज़ यूज टू गिव ट्रेनिंग टू प्लम्बर्स। प्लम्बर्स या टेक्निकल पर्सन को जो ट्रेनिंग देने का मेथड होता है उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। नाउ सी द आंसर, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मोटिवेशन, जैसा हमने आपको बताया। नेक्स्ट, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कैन बी यूज टू गिव ट्रेनिंग टू द प्लम्बर्स। नेक्स्ट आता है, डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, ऑलरेडी हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं, मार्केटिंग और मैनेजमेंट, दोनों को मिला के मार्केटिंग मैनेजमेंट बना। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द मार्केट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन है, उसके अलावा यहाँ जो डेफिनेशन दी गई इस डेफिनेशन को भी आप लिख सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट आता है, डिफाइन ग्रेडिंग एज ए फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ग्रेडिंग फंक्शन को डिफाइन करना है, तो ग्रेडिंग स्टूडेंट आपको बता दें, ग्रेडिंग जो होता है ये प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रुप में रखना, मीन्स ग्रेडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रुपिंग द प्रोडक्ट। और यहाँ पर ग्रुपिंग जो है वो 3 तरीके से की जाती है, क्वालिटी के बेस पर, साइज़ के बेस पे और प्राइस के बेस पर। जो प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है, जैसे साइज़ के बेस पे छोटा साइज़, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ी साइज़। इसी तरह क्वालिटी, क्वालिटी पे लोअर क्वालिटी, देन उससे बेटर क्वालिटी एंड द बेस्ट क्वालिटी, इस तरीके से प्रोडक्ट को रखा जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ 1 मार्क्स। मोहित परचेज ए स्मार्टफोन फॉर ₹30,000 फ्रॉम ए मोबाइल फोन सेलर ऑन हिज वर्बल कम्युनिकेशन दैट द स्मार्टफोन विल बी रिप्लेस्ड इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट विद इन ए स्पैन ऑफ 6 मंथ। द फोन स्टार्टेड क्रिएटिंग टेक्निकल इशूज़ इन स्पाइट ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ द फोन। द सेलर डिनाइड टेकिंग एनी एक्शन ऑन द कंप्लेंट मेड बाई मोहित। मोहित ने जब कंप्लेन किया तो उसने कंप्लेन पर एक्शन लेने से मना कर दिया। नेम द रिड्रेसल एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वे आर मोहित कैन फाइल हिज कंप्लेन। डियर स्टूडेंट, हम हमने अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन टॉपिक के अंदर कई वीडियोज़ डाल रखे हैं, उसमें हमने पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आपको बता दें, देयर इज 3 रिड्रेसल एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, जिसमें 20 लाख तक का जो केस होता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम में किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोहित जो रिड्रेसल एजेंसी को कॉन्टैक्ट करेगा या कंप्लेन करेगा वो होगी डिस्ट्रिक्ट फोरम। लेकिन यहाँ पर नेम द रिड्रेसल एजेंसी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेयर मोहित कैन फाइल हिज कंप्लेन। अब यहाँ पर नो, मोहित कैन नॉट फाइल ए कंप्लेन अगेंस्ट द सेलर इन द कंज्यूमर कोर्ट एज ही डज नॉट हैव कैश मेमो। यहाँ पर ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट कि मोहित ने फॉर्मल जो तरीका है बाइंग करने का उस तरीके से नहीं, बल्कि वर्बल कम्युनिकेशन के बेस पर ख़रीदा था, और यहाँ पर उसके पास कोई कैश मेमो नहीं है जो कि प्रूफ ऑफ परचेज होती है। तो प्रूफ ऑफ परचेज न होने की वजह से वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहाँ प्रूफ ऑफ परचेज होती तो जैसा हमने बताया कि कैश मेमो होने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में इस कोर्ट को फाइल कर सकता था, लेकिन यहाँ पर वो केस फाइल नहीं कर पाएगा बिकॉज ये वर्बल कमिटमेंट के थ्रू फ़ोन खरीदा गया था, देयर इज़ नो प्रूफ। तो अगर सेलर यहाँ डिनाई कर जाता है तो वो केस फाइल नहीं कर सकता है। डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्ट करते समय आप ध्यान देंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ी भी जल्दीबाजी में अगर आप आंसर करेंगे तो एरर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6,
The size of assets, the profitability and competitiveness are affected by one of the financial decisions. State the decision involved with the reference to the given statement. इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को आपको में जो बातें कही गई हैं उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल डिसीजन जो बताने हैं वो बताने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि तीन डिसीजंस होते हैं। देयर आर थ्री डिसीजंस रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो यहाँ पे आपको देखना है कि साइज ऑफ एसेट्स में चेंज हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस में चेंज हो रही है, तो यहाँ पे डिसीजन का नाम होगा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, जिसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज ऑलवेज फील दैट दे आर अंडर इनॉर्मस अननेसेसरी स्ट्रेस एज मैनेजर डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर प्लान्स बट सिंपली इंस्ट्रक्ट देम व्हाट टू डू। He also does not listen to any of suggestion given by the subordinates. Dear student, इस तरह के केस वाले क्वेश्चन में एक आपको सजेशन देता हूँ कि क्वेश्चन को आप पूरा स्टार्ट से पढ़ने के बजाय पहले लास्ट लाइन पढ़िए, जहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताना क्या है आपको। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लास्ट लाइन को हम शुरू से पढ़ने के बजाय पहले पढ़ते हैं कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल फॉलोड बाई द मैनेजर इन द एबव सिचुएशन, तो हमारे माइंड में तुरंत ही आ जाता है कि ये लीडरशिप की बात कर रहा है। अब अगर हम पैरा को पढ़ें इसके बाद, तो हमें तुरंत लीडरशिप की तीनों स्टाइल में से पता चल जाती है कि ये ऑटोक्रेटिक का पार्ट है या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है या लेजिस फेयर या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो सबॉर्डिनेट हैं वो इनॉर्मस स्ट्रेस में हैं और कोई भी प्लान मैनेजर उनसे डिस्कस नहीं करता, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। नेक्स्ट है, मिस्टर मोहन फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर टू बी प्रेजेंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान। अगेन अगर हम स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को पढ़ें कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान, तो इमीडिएटली हमारे माइंड में टाइप ऑफ प्लान्स आ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है या इनकम की बात की जा रही है और एक स्टेटमेंट बनाने की बात की जा रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बजट इज़ ए टाइप ऑफ प्लान इन विच एनुअल स्टेटमेंट जो यहाँ पे मीटिंग में मोहन ने रखा। नेक्स्ट आता है, स्टेट एनी थ्री पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो फंक्शन डायरेक्टिंग है उसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं आपको, इंपॉर्टेंस बताने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें से कोई भी तीन पॉइंट आप बता देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन towards attainment of desired objective. Directing integrates employees efforts in the organization in such a way that every individual efforts contribute to the organizational performance. Directing guides employees to fully realize their potential and capabilities by motivating and effective leadership. Directing facilitate introduction of needed changes in the organization. इफ़ेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप हेडिंग भी लिख के कर सकते हैं। जैसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो उस यहाँ पे आंसर कर सकते हैं इस तरीके से, हेडिंग के थ्रू भी आंसर कर सकते हैं और बिना हेडिंग के भी कर सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बिना हेडिंग के भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 6 मार्क्स में आता है तो बिल्कुल आप हेडिंग के साथ इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट आता है, स्टेट एनी थ्री मेजर्स टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक के अंदर आप देखे होंगे कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे सजेशंस दिए गए हैं जो आंसर के तौर पे आप लिख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। क्लैरिफाई द आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के पहले आइडिया को क्लैरिफाई करना है ताकि जो रिसीवर है उसको आसानी से समझाया जा सके। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। कम्युनिकेशन हमेशा रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन करने के पहले, रिसीवर को मैसेज देने के पहले हमें दूसरे लोगों से कंसल्ट कर लेना है ताकि जो मैसेज है उसको एकदम क्लियर किया जा सके, ताकि कम्युनिकेशन प्रोसेस में व्हाट वी वांट द रिस्पांस फ्रॉम रिसीवर, दैट टाइप ऑफ रिस्पांस वी कैन गेट इजीली। बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज।
टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, ये जो नेक्स्ट बैरियर को ओवरकम करने का तरीका है कि हमें बिल्कुल सावधान रहना है जो भाषा का यूज़ कर रहे हैं, जो टोन हम यूज़ कर रहे हैं, जो कंटेंट ऑफ मैसेज है, ये बिल्कुल अच्छे से सोच समझ कर बनाए जाने चाहिए, तभी हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो सही ढंग से होगा। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर, जो भी हम चीज़ें यहाँ पर कन्वे कर रहे हैं रिसीवर को, वो उसकी मदद करने वाली होनी चाहिए, तभी हमारा जो रिसीवर ऑफ द मैसेज है वो उसको प्रॉपरली रिसीव करेगा और उसके बारे में प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा। इनश्योर प्रॉपर फीडबैक, ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी हम कुछ भी कम्युनिकेट करें, कुछ भी कम्युनिकेट करें सबॉर्डिनेट्स को या अदर लोगों को, तो हमें फीडबैक जरूर लेना है कि इन्फॉर्मेशन जो हमने दिया उसमें रिस्पॉन्स अगर समझ लेते हैं उसी समय, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारा जो पर्पज़ है कम्युनिकेशन का वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए बल्कि फ्यूचर भी होना चाहिए, तो हमें कम्युनिकेशन में उन सभी बातों को रखना चाहिए जो फ्यूचर को इफ़ेक्ट करने वाली होनी चाहिए। फॉलो अप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का फॉलो अप ज़रूर करना चाहिए, हमें बीच बीच में ये पता करते रहना चाहिए कि जो हमने कम्युनिकेट किया रिसीवर को उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और लास्ट पॉइंट आता है बी ए गुड लिसनर। कम्युनिकेशन प्रोसेस में लिसनर का अच्छा होना, गुड लिसनर मीन्स स्मार्टनेस नहीं है यहाँ पर, गुड लिसनर का मतलब है कि सिंसियरली इंफॉर्मेशन को रिसीव करे और उसको समझ करके उसके अकॉर्डिंगली आंसर करे, अंडरस्टूड करे अच्छे से, दिस इज़ द पार्ट ऑफ बी ए गुड लिसनर। तभी हमारा कम्युनिकेशन के पार्ट में जो भी बैरियर्स आते हैं उसको आसानी से ओवरकम किया जा सकता है। तो दिस विल बी द वे, और इसमें से डियर स्टूडेंट कोई तीन पॉइंट आप डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है, राहुल डिसाइडेड टू स्टार्ट ए डेजर्ट कूलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ही सेट्स द टारगेट ऑफ अर्निंग 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इन द फर्स्ट ईयर, ही वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस विच वर अनसर्टेन। अब यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं, अभी हमने बात किया था कि केस वाले क्वेश्चंस में बहुत बड़े बड़े केसेस दिए जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें सीधे ए या बी पॉइंट जो भी पूछा जा रहा है उसको पढ़ते हैं पहले। तो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द एबव केस, इन्यूमरेट द नेक्स्ट टू स्टेप्स। स्टेप्स की बात की जा रही है, इसका मतलब है मैनेजमेंट फंक्शन, किसी फंक्शन के स्टेप्स की बात की जा रही है जिसमें नेक्स्ट टू स्टेप्स पूछे जा रहे हैं। तो पहला पैरा जैसा हमने पढ़ा, तो इसमें राहुल डिसाइड करता है एक बिजनेस स्टार्ट करने का डेजर्ट कूलर का, तो जैसे डिसाइड किया मीन्स प्लानिंग की बात किया, तो पहला जो आंसर है दैट इज़ द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट फंक्शन प्लान का जो नेक्स्ट टू स्टेप है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, तो नाउ सी द आंसर, प्लानिंग ए पॉइंट का आंसर, और जो स्टेप्स हैं आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड इवेल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट स्टेट एनी थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। जैसा आप जानते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द हाइएस्ट बॉडी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच कंट्रोल ऑल द शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर उसके ऑब्जेक्टिव्स को लिखना है, तो नाउ सी द ऑब्जेक्टिव्स, कोई तीन पॉइंट लिखने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग, उनके फंक्शन को सिस्टमेटिकली करने के लिए यहाँ पर जो है इसे भी उनको रेगुलेट करता है, टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, और उनको गाइड करता है एजुकेट करता है, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस एंड अचीव ए बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन बाय सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है टू रेगुलेट एंड डेवलप ए कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय intermediaries like brokers, merchant bankers with a view to making them competitive and professional.
दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। तो यहाँ से कोई 3 पॉइंट आप लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइनेंशियल मार्केट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी बाई परफॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट स्टेट एनी 3 फंक्शंस परफॉर्म बाई फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप कोई 3 फंक्शन लिख देंगे जो कि इस प्रकार होगा। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट मोबिलाइज सेविंग ऑफ हाउस होल्ड एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूसेज। इसमें ये पहला फंक्शन हुआ, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल एसेट जो भी यहाँ पर डील की जाती है उसके लिए प्राइस डिस्कवरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, जो भी यहाँ पे शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स की डीलिंग होती है या अदर सिक्योरिटीज़, उन सभी को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स इनको कैश में कन्वर्ट करता है वेन एवर होल्डर्स नीड द कैश। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज़ बींग ट्रेडेड इन द मार्केट एंड देयर बाई हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम एफर्ट्स एंड मनी। तो फाइनेंशियल मार्केट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसको पाने के लिए उनको किसी भी तरह की अलग से कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इस तरह इन्फॉर्मेशन इजीली मिलने से उनकी जो कॉस्ट होती है ट्रांजेक्शन की वो रिड्यूस हो जाती है, समय में बचत हो जाती है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पर डियर स्टूडेंट कोई 3 फंक्शंस आप लिखेंगे और आपका आंसर कम्प्लीट हो जाएगा। Thank you very much for watching this video. All the best to all of you for your coming examination, pre-board and session ending examination. Keep watching, share with your friends so that they can also get the benefit of this video. The next part I will bring for all of you for 3 marks question, 4 marks question and 5 and 6 marks question. तो आप इंतज़ार करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन पेपर का ले आएंगे। थैंक यू वंस अगेन।